हेलो गाइस, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन की नगरी में। आज मैं आपको W26 स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, इसके अंदर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये वॉच पैक्ड है, इसे हम बाद में देखेंगे, देखते कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है। इसके अंदर हमें ये चार्जर और ये इंस्ट्रक्शन पेपर मिलता है। यहाँ आप देख सकते हो, इसका जो कनेक्टिंग पिन दिया है वो मैग्नेटिक दिया है। ये दोनों सिरे में ये जो है, ये दोनों तरफ ये मैग्नेट है और ये पोगो पिन में कनेक्ट होगा और ये कनेक्ट होते ही चार्ज लेना शुरू हो जाएगा। तो गाइस, आइए आप इस वॉच को देखते हैं। यहाँ आपको वॉच कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक बटन दिया है, यहाँ पर यूज़ में सिर्फ एक बटन है। ये क्रॉल जो है ये वर्किंग नहीं करता है। यहाँ आपको माइक मिलेगा और ये दोनों तरफ में आपको स्पीकर मिलेगा। और गाइस, इसका आप स्ट्रैप को चेंज भी कर सकते हो, ये चेंजेबल स्ट्रैप इसमें मिलता है। इसके बैक में देख सकते हो आप, आपको दो पोको पिन मिल रहा है और यहाँ पर ये एक सेंसर आपको मिलेगा। तो गाइस, आइए इसे ऑन करके देखते हैं। ये वाइब्रेट हुआ और ये आ गया इसका मेन फेस। यहाँ पर आपको गैस कई सारे वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे। आप इसे चेंज करने के लिए सिंपली लॉन्ग प्रेस करके कोई सा भी आप वॉच फेसेस को सिलेक्ट करके रख सकते हो अपने मर्जी के हिसाब से। इसमें टोटल 7 वॉच फेसेस आते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो टोटल 7 वॉच फेस है। इसके अलावा आप और कोई भी वॉच फेस इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि X7 में आप कर सकते हो। इससे पहले मैंने X7 का वीडियो बनाया था, उसमें आप चेंज कर सकते थे उसके वॉच फेसेस में, अपने एडिशनल कर सकते थे, लेकिन इसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये अपने आप में ही बहुत ही अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मेन्यू स्टाइल, अब मैं दिखाने जाऊँगा। इसको आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन, अलार्म सेटिंग, बैटरी का परसेंटेज दिखाएगा। इसको आप स्कैन करके, इसका ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल को इस वॉच से कनेक्ट कर सकते हो। देन ये देखते हैं इसका मेन्यू स्टाइल को। इसका मेन मेन्यू स्टाइल हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ कई सारे ऐप दिए गए हैं, सेटिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, म्यूजिक। और गाइस, एक खास बात ये सुनिए, इसमें आपको कैलकुलेटर मिल रहा है। गाइस, आप इस मेन मेन्यू स्टाइल को चेंज भी कर सकते हो। आप देखो, इसका जो स्क्रीन है ये फुल डिस्प्ले स्क्रीन है। इसका मेन मेन्यू स्टाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह। इसमें जाके यहाँ पर सिंपली हमें 9 ऐप्स में सिलेक्ट करना है और आपको 9 ऐप स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। गाइस, ये वॉच जो है एप्पल वॉच का रेप्लिका है, उसी का तरह रेप्लिका इसका बनाया गया है और इसका डिज़ाइन और स्टाइल भी उसी तरह रखा गया है। अब इसे वापस स्मार्ट स्टाइल में चेंज कर देते हैं। मुझे तो इसका स्मार्ट स्टाइल बहुत अच्छा लगा। और गाइस, इसमें अगर आपको बैक करना होगा तो आपको, जैसे कि आप मेन मेन्यू में आ गए हो, आपको बैक करना है, कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट किए आपको बैक करना है तो सिंपली आपको इसमें राइट स्वाइप करना होगा, उससे आप बैक में आ जाओगे। राइट स्वाइप एंड बैक। यहाँ सेटिंग्स में देख ले हम लोग, तो ब्लूटूथ सेटिंग, क्लॉक, न्यू नोटिफिकेशन, ब्राइट साउंड। साउंड हम लोग रिंगटोन इसमें सेट कर सकते हैं कि हमें कौन सा रिंगटोन चाहिए। वॉल्यूम सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल मैक्सिमम 6 वॉल्यूम देता है, 6 लेवल तक का हम लोग वॉल्यूम सेटिंग कर सकते हैं। और अगर डिस्प्ले में गए तो यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्राइटनेस आप घटा सकते हो और इतना तक का ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। टाइम आउट आप सेव कर सकते हो कि कितने देर के बाद में स्क्रीन का टाइम आउट होगा। यहाँ पर देखो, मैक्सिमम ब्राइटनेस में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ से म्यूज़िक आप कंट्रोल कर सकते हो डायरेक्ट। तो गाइस, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा वॉच है। फुल डिस्प्ले के साथ में ये और भी अच्छा लगता है। शुक्रिया गाइस बने रहने के लिए। मैं अब विदा लेता हूँ। गुड बाय, टेक केयर।